हेलो दोस्तों, मेरा नाम है द्वारका प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डीपीएस टेक्स। आज हम ऐसा मैकेनिज्म सीखेंगे और बनाएंगे जो इस बीएलडीसी मोटर को रिवर्स कर सकता है। आप में से कई लोग बोलेंगे कि ये तो बहुत आसान है, कोई भी दो वायर को एक्सचेंज कर दो, हो गया मोटर रिवर्स। लेकिन रुको, अगर ऐसा हो जाए कि बीएलडीसी मोटर को या उसकी वायर को बिना टच किए आप मोटर को रिवर्स कर पाए तो है ना इंटरेस्टिंग। अगर ये मैकेनिज्म आप लोगों को पहले से ही पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जल्दी से इस मैकेनिज्म को बनाना सीखते हैं, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे। सो टाइम को बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये है बीएलडीसी गियर बॉक्स। इसकी मेकिंग की वीडियो आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। और हाँ, इस गियर बॉक्स का यूज़ करके मैंने एक फोर व्हील ड्राइव आरसी कार बनाई है, जिसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जल्दी से इस बीएलडीसी गियर बॉक्स को कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, इस बीएलडीसी गियर बॉक्स को कंट्रोल करने के लिए मैंने 6 चैनल डम्बो आरसी का ट्रांसमीटर यूज़ किया है, जिसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मोटर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है। अभी हम मोटर की डायरेक्शन चेंज करने के लिए कोई भी दो केबल को एक्सचेंज करेंगे। मोटर यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। दोस्तों, आरसी कार को फॉरवर्ड या रिवर्स करने के लिए हम बार बार वायर को एक्सचेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमें ऐसा मैकेनिज्म बनाना होगा जो ऑटोमेटिकली बीएलडीसी मोटर को फॉरवर्ड या रिवर्स कर सकता है, जिससे हमारी आरसी कार भी फॉरवर्ड या रिवर्स कर सकती है। बीएलडीसी मोटर को रिवर्स करने के लिए 6 पिन स्लाइड स्विच का मैंने यूज किया है। तो चलिए 6 पिन स्लाइड स्विच का मैकेनिज्म जान लेते हैं, जो हमारी बीएलडीसी मोटर को बिना वायर एक्सचेंज किए रिवर्स कर सकता है। आपको समझने में आसानी हो इसलिए 6 पिन स्विच को हम पेपर पे बना लेते हैं। ये जो दो वायर ईएससी के और बीएलडीसी के हैं, इसे हम 6 पिन स्विच पे एडजस्ट करेंगे, जिससे हमारी मोटर फॉरवर्ड या रिवर्स या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो सकती है। इसे हम नाम देते हैं ए और बी, और मोटर साइड को 1 और 2। अभी हमें एक पैटर्न बनाना होगा A1 और करस्पॉन्डिंग पैटर्न B2, जिससे हमारी मोटर रोटेट होगी क्लॉकवाइज। और इसका ऑपोजिट पैटर्न होगा A2 B1, जिससे हमारी मोटर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। ये जो स्विच है, इसकी मिडल की पिन पे हम मोटर की दो वायर्स को कनेक्ट करेंगे, जिसका लेबलिंग है 1 और 2। और जो रिमेनिंग पिन्स है उस पे ए और बी,
तो पहले वन साइडेड अरेंजमेंट हम समझ लेते हैं। जब स्विच हम लेफ्ट साइड करेंगे, ये हुआ लेफ्ट साइड, तो हमारा कॉम्बिनेशन फर्स्ट टू पिंस और नीचे की दो पिंस कनेक्ट होंगी। और जब हम स्विच को राइट साइड करेंगे तो हमारी पिंस चेंज हो जाएंगी और वो कनेक्शन को एक्सचेंज कर देगी। ये कॉम्बिनेशन हो गया A1 और B2। इससे हमारी मोटर क्लॉकवाइज रोटेट होगी और ये जो मैकेनिज्म है इससे हम A2 B1 पैटर्न पे स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे हमें BLDC मोटर के दो वायर को कनेक्ट करना है। ये हो गया A2 और ये हो गया B1, जिससे हमारी मोटर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। इससे हमारी मोटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगी और A2 B1 से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। इससे हमारी कार रिवर्स होगी। और फॉरवर्ड भी हो सकती है और वो भी वायर को बिना टच किए। इस मैकेनिज्म को हमें ऑटोमेटिक बनाना होगा। तो अभी सोल्डरिंग को जान लेते हैं। ये हो गई 6-pin स्विच की pins. ये दोनों कनेक्ट होगी और ये दोनों कनेक्ट होगी और ये और ये हो गई A, ये हो गई B और ये B, और ये 1 और 2 रहेंगे जिससे हम लेफ्ट और राइट स्विच करेंगे तब A और B का पैटर्न चेंज होगा। इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और ये यहाँ पे, और ये दोनों 1 और 2 सेम रखेंगे। स्विच को कंट्रोल करने के लिए मैंने मेटल गियर सर्वो का यूज किया है और ये है MDF बोर्ड जिसपे हम मैकेनिज्म को बनाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर ले और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले। Thank you.
Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. दोस्तों यहाँ पे सर्वो आर्म के ठीक सामने ही आपको स्विच को सेट करना है। स्विच के प्रोब को ड्रिल कर लेते हैं, जिससे हम सर्वो आर्म को पुश पुल मैकेनिज्म कनेक्ट करने के लिए पिन का यूज करके पुश पुल मैकेनिज्म बना सकते हैं।
दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। इंस्टा हैंडल है, या आप भी मुझे डायरेक्ट मैसेज करके कोई भी आपका डाउट पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारा पुश पुल मैकेनिज्म रेडी हो चुका है। अब सिर्फ बाकी है 6-पिन स्विच की सोल्डरिंग। दोस्तों, वायरिंग डायग्राम को अच्छे से समझ लें। यहाँ पे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर छोटी सी भी गलती हुई तो हम हमारे ESC को या BLDC मोटर को खराब कर सकते हैं। ESC और BLDC मोटर के वायर को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने बुलेट कनेक्टर्स का यूज किया है। दोस्तों, हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, हमें सिर्फ एक ही वायर BLDC मोटर को कनेक्ट करनी है, और जो बची हुई 4 वायर से वो हमें स्विच पे लगानी है। मैकेनिज्म बहुत ही आसान है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे व्हील एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। अभी हम स्विच की पोजीशन चेंज करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे व्हील क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, इसका मतलब हमारा स्विच सक्सेसफुली काम कर रहा है।
losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा. ये मैकेनिज्म का यूज़ करके आप कोई भी BLDC मोटर को फॉरवर्ड रिवर्स कर सकते हैं विदाउट टचिंग एनी वायर. तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.